19 अक्टूबर 2017 को यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की साइंस लैब में बैठे एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वर्क अपने टेलीस्कोप के थ्रू एक बड़े ही स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ये अजीब सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट 38 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम में ट्रेवल कर रहा था। इस अननोन ऑब्जेक्ट की डायमेंशन एस्ट्रोनॉमर्स को पजल कर रहे थे, क्योंकि ये अब तक के सभी ऑब्जर्व कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड से बिल्कुल अलग था, जो हर 7.3 आवर्स के इंटरवल में अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता था। इस ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करने वाली टीम ने इसे नाम दिया ओमुआमुआ, जिसका हवाईयन में मतलब होता है अ मैसेंजर फ्रॉम फार। इस ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी के पता चलते ही दुनिया भर के टेलीस्कोप्स इसकी तरफ घुमाए गए, लेकिन कई दिनों तक ऑब्जर्व कर पाने के बाद ओमुआमुआ से निकलती हुई लाइट रेज फेड होने लगी और इवेंचुअली 11 दिन बाद इंटरस्टेलर स्पेस से आया यह बिन बुलाया मेहमान हमेशा के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर हो गया। मगर असल में ऑब्जेक्ट था क्या, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि एक नाइट्रोजन से बना आइसबर्ग है जो प्लूटो से कई साल पहले टूटकर अलग हो गया था। मगर हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर एवी लोएब का इस पर कहना था कि प्लूटो पर प्योर नाइट्रोजन की क्वांटिटी काफी कम है, जिसके चलते ऐसे ऑब्जेक्ट का वहां से आना इम्पॉसिबल है। आगे चलकर एवी लोएब ने लैक ऑफ डेटा को प्रपोज करते हुए बताया कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी एलियन से पहला कॉन्टैक्ट हो सकता है। रिसेंटली मार्च 2023 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने एक बड़ा ही स्ट्रेंज सा ड्राफ्ट पब्लिश किया, जिसमें पेंटागन के सीन किट पैट्रिक और हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर एवी लोएब ने बताया कि कैसे जल्द ही एलियन सिविलाइजेशन फ्यूचर में हमारे सोलर सिस्टम को विजिट करने वाली है। और जैसा नासा दूसरे प्लैनेट्स पर रिसर्च के लिए स्पेसक्राफ्ट सेंड करता है, बिल्कुल वैसे ही एलियंस हमारे सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए टाइनी प्रोब्स रिलीज करना शुरू करेंगे। ये सभी टाइनी प्रोब्स एक बड़े से स्पेसशिप से इजेक्ट किए जाएंगे और ये स्पेसशिप दिखने में बिल्कुल ओमुआमुआ जैसा ही होगा। खैर, आप एलियंस की एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं या नहीं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल कोश को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।